नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में परिचारक अर्थात लाइन मैन के भर्ती परीक्षा जो कि बहुत दिन से चल रही है, और आप लोगों का जो कमेंट्स आ रहा था कि इसका जो वेरिफिकेशन है और शारीरिक दक्षता अर्थात फिजिकल टेस्ट जो है कब होना है, तो उसका अब समय आ चुका है। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि इसका डेट जो है कब है, और इसके लिए आपको कहां कहां से किस किस क्षेत्र से आपको बुलाया जाएगा और कितने हजार लोगों को अभी फिलहाल बुलाया गया है, क्योंकि 3000 पदों पर इसका भर्ती होने वाला है और 3000 पदों के लिए 136000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या में होता है। तो एक ही बार में सबका वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए इसको कुछ खंड वाइज इसको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से क्षेत्र में होने वाला है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और नए नए वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नवभारत के जो प्रेस में आया हुआ है, उसके आर्टिकल में आया हुआ है, वहां पर से जहां पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा जो 3000 पद के लिए 136000 आवेदन आए हुए हैं, तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए इसका जो शारीरिक दक्षता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको साथ-साथ किया जाना है, तो इसका जो है 21 फरवरी से होने वाला है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, आप लोगों को यहां से आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर देख लीजिए लाइन परिचारक की शारीरिक दक्षता 21 फरवरी से होने वाला है, परीक्षा जो है 21 से होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, यहां से अब आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में परिचारक की भर्ती के लिए दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा 21 फरवरी से होगा। इसके लिए आपको क्षेत्र बताया गया है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं जगदलपुर क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालयों को केंद्र बनाया गया है। अर्थात आपका जो परीक्षा होगा, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपने जिस क्षेत्र में भरा है तो यहाँ पर केंद्र बनाया गया है आपका। एक बार और बता देता हूँ, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर, यहाँ पर केंद्र बनाया गया है। इसमें प्रथम चरण में 3450 अभ्यर्थी को बुलाया गया है। पावर कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद ने बताया है कि परिचारक लाइन के 3000 पदों के लिए 136000 आवेदन प्राप्त हुए थे। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्राविधिक प्रावीण्य सूची के आधार पर 3450 आवेदकों को पहले बुलाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है निकल करके सामने आया हुआ है आज की डेट में। तो जितने लोगों ने, आप लोगों ने लाइनमैन या तो फिर लाइनमैन उसी को कहते हैं परिचारक, तो आपको इसके लिए आपको फिजिकल की तैयारी अब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 21 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है। अगर आपके पास अनुभव है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र को भी अवश्य से जरूर से बना लीजिए, जाति नहीं बना हो तो जाति बना लीजिए, निवास बना लीजिए, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट रखिए, क्योंकि 21 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है, फिजिकल टेस्ट है, वो होने वाला है। हमारे तरफ से बेस्ट आप लोग, इसके लिए हमने और भी वीडियो बना रखा है, आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पांस मिला उसमें भी, इस वीडियो को भी आप लोग लाइक जरूर से कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।